ओमपाल प्रसाद GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, उसी तरह आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की तरफ। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जो संकट गहराया, आज हमारे देश में पॉजिटिव केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि 4 बार लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी होती हैं सरकारों की भी और सामाजिक लोगों की भी, जिसकी वजह से 1 जून से अनलॉक किया जा रहा है। 70 दिनों की इस मुसीबत में गरीब, प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन परेशानियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़े अच्छे कदम उठाए। हम आपको बता दें कि थाना नजफगढ़ लॉकडाउन के पहले दिन से ही लंगर लगाए गए और सभी प्रवासी मजदूरों को, जरूरतमंदों को खाना दिया गया। हम आपको बता दें कि इस जिन्होंने एकता के साथ ये काम किया, कोरोना महामारी से निडरता बरती और साथ ही लोगों के पेट का पालन करने का पूरा काम किया है। उन्होंने खाना खिलाया है, उनको मास्क दिए हैं और सैनिटाइज दिए हैं। आज समापन का दिन है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में देश को सराहा। गीतकारों और कलाकारों के योगदान को भी अहम बताते हुए महामारी में संगीत को महत्वपूर्ण बताया। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,90,535 हो गई है, जिनमें से 93,322 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,392 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 230 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद आज दूसरा दिन देश में अनलॉक की शुरुआत का है। वहीं हम आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के जवानों ने नर सेवा नारायण सेवा कर विश्व स्तर पर मानवता की मिसाल दी है। थाना नजफगढ़ SHO सुनील कुमार मित्तल और उनकी टीम द्वारा लॉकडाउन के पहले दिन से ही गरीब, प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदों को खाना, मास्क, दूध, फल और सैनिटाइज इत्यादि सामग्री देने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया है। 70 दिनों से बरकरार थाने में चल रहे लंगर के समापन के समय द्वारका जिला DCP एंटो अल्फोंस पहुंचे और नर्स सेवा नारायण सेवा कर थाना नजफगढ़ के SHO सहित महिला पुलिस की सराहना की है। जब GNN न्यूज संवाददाता से DCP एंटो अल्फोंस की खास बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। 2 जगह पे हमने कम्युनिटी किचन शुरू किया था। नंबर 1 ये नजफगढ़ थाना का इलाका है, जो नजफगढ़ SHO और ACP की तरफ से यही इसी जगह पे मजदूरों को खाने का शुरू किया। आपका हमारा DCP ऑफिस में कम्युनिटी किचन जो चलाते हैं वहीं से शुरू किया था, और दोनों जगह पे हम हर दिन हजार लोगों का खाना खाया और कंटिन्यूसली रखा था 70 डेज। अब लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक हो चुका है और लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अब कंप्लेन ज़्यादा भी आएंगे और क्राइम की भी हो सकता है क्षमता बढ़े। तो इसके लिए सभी तमाम थानों में क्या क्या आपने सुविधा रखी है जिससे लोगों को परेशानी ना हो और पुलिसकर्मी भी बचे रहें इस कोरोना की महामारी से? जो थाना से जो कंप्लेन जैसे आने शुरू हुआ को, नंबर 1 तो कहीं कहीं IVOs है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तौर पे बातचीत चलते रहता है और उन्हीं का स्टेटमेंट द्वारा लेना, तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बातचीत करके तो पूछताछ हो जाता है। नंबर 2 जो थाना के अंदर पूरा लोग आने नहीं देते, ये जो थाना का सेंट्री पोस्ट है, ये कमरा अलग बना रखा है, उसी जगह पर व्यवस्था चलता है, तो वहाँ का इंट्री जो करना है बेसिक कंप्लेंट रिसीवर यहीं हो जाता है, इस वजह से और ये कोरोना महामारी से दूर। राजधानी दिल्ली में COVID-19 को लेकर लोगों में कितना भय है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोमवार की सुबह जब दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 इलाके की मार्केट में दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंचे तो वह सभी मार्केट के कूड़ेदान में COVID-19 के पेशेंट के इलाज में डॉक्टरों द्वारा यूज की जाने वाली PPE किट देखकर भयभीत हो उठे। जहां स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि इसी मार्केट के बीच में आयुष्मान नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज किया जा रहा है, जहां इन PPE किट को डॉक्टर पहनकर पेशेंट का इलाज करते हैं। ऐसे में गैर जिम्मेदाराना हरकतों के साथ इन PPE किटों को मार्केट के डस्टबिन में डाल दिया जाता है, जिससे मार्केट के दुकानदारों समेत इस मार्केट में आने वाले ग्राहकों को भी COVID-19 का भय बना हुआ है। जबकि इस तरह के यूज PPE किटों को सावधानी पूर्वक डिस्ट्रॉय करने का प्रावधान है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों ने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कई तरह की लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं और मामले की सूचना पुलिस को दी है। वहीं दुकानदारों के हंगामे के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने अपने आसपास सफाई भी शुरू कर दी है। हालांकि
जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने दुकानदारों को शांत कराया और हॉस्पिटल प्रशासन से बात की, जहां आयुष्मान हॉस्पिटल प्रशासन ने पीपीई किटों को ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने से साफ इनकार किया है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। जीएनएन न्यूज संवाददाता मदन मोहन तवर की रिपोर्ट। अब हम बाहर निकले, अब हमारे लिए करो, हमने आपके कहने से किया ना, अब हमारे कहने से इसको बंद करो। हम आपके कहने से 2 महीने अंदर बैठे हैं, अब आप हमारे कहने से ना इसको बंद करो। तमाशा लगा रखा है हमारी जिंदगियों का, गवर्नमेंट शूट का नहीं करवा देती हमें, क्या सेंटिनल्स करके दिखा रहे हैं तुम? हद कर दिया। वेल सेड मैम, वेल सेड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के मन में रोष है। तुम्हारी अपनी पार्किंग नहीं है, कौन सा हॉस्पिटल देखा जिसकी पार्किंग ना हो, वो बाहर नॉर्मल पब्लिक पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करके पेशेंट ऊपर लेके जाता है। इतनी भी औकात नहीं थी पहले अपने लिए पार्किंग तो बना लेते। पेशेंट ऊपर ले हॉस्पिटल है, सेकंड ब्रांच है इनकी, वहाँ पे इनको परमिशन मिली हुई है, लेकिन ये यहाँ पेशेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इनको परमिशन मिली है तो उसकी एप्लीकेशन लगाओ, यहाँ पे लोगों को बताओ कि यहाँ पे कोविड सेंटर बन रहा है, आप लोग थोड़ा सावधान रहो, हमारे साथ मिलके रहो। लेकिन कुछ भी नहीं है, और उल्टा यहाँ पे पीपीटी किट मिल रही है हमें यहाँ पर, और ये अगर पीपीटी किट है, अगर ऐसे ये रोडों पर पड़ी मिली, डस्टबिन में मिली, डस्टबिन कोई तो कूड़ा उठाएगा, क्या वो इंसान नहीं है? उसको कोरोना नहीं होगा, उसका घर परिवार नहीं है, तो इन लोगों को कैसे रोका जाए? तो आपने पुलिस को शिकायत की, ऐसा हुआ है यहाँ? पुलिस को शिकायत करी, पुलिस को 1-2 दिन पहले शिकायत करी थी। पुलिस वाले कहते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये अभी पीपी किट मिलने का मतलब तो खतरा है? खतरा तो बहुत बड़ा खतरा है ये हमारे लिए। सारा डस्ट यहाँ फेंक रहे, अपना कचरा अगर ये यहाँ डस्टबिन में फेंकेंगे, आगे लोग हैं उनकी भी सेफ्टी देखना जरूरी है, पर इन लोगों को कोई परवाही नहीं है। और इनसे बोल रहे हैं तो ये हमें बता रहे हैं कि आप लोग हमें बताओ। अरे हम लोग बताएंगे जब भी तुम करोगे, तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं बनता क्या करने का? जब तुम यहाँ पे सेंटर बना रहे हो तो उससे पहले सारी इंस्ट्रक्शन तुम्हें मिलनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर कुछ भी नहीं है किसी भी तरह का। हमें तो पड़ोस में रहना है, सारी चीज़ें मिलकर ही होती है, पर इन लोगों के अंदर जरा सा भी कुछ भी नहीं है कि लोगों के बारे में सोचें, अपना हॉस्पिटल चलाने से मतलब है बस। बताइए। मेरा नाम सरबजीत है, मेरी शॉप है सेम मार्केट के अंदर, ये द्वारका का मेन हब है, सेक्टर 12 की मार्केट है। यहाँ पे इन्होंने आयुष्मान हॉस्पिटल है, इसमें इन्होंने कोविड 19 का सेंटर बना दिया है, जिसकी वजह से पेशेंट्स आराम से पैदल आ रहे हैं। मतलब इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पीपी किट भी ये बाहर वाले डस्टबिन में थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमारी सारी शॉप्स बंद हो गई हैं, ठीक है। हम 2 महीने तक अंदर रहे हैं, 2 महीने तक हम लॉकडाउन में अपने घरों में कैद थे, आज हम निकले हैं ये सोच के कि मार्केट खुल गई है, हम काम करेंगे, लेकिन आज फिर ये सब हंगामा हो गया। और हमने इतनी जगह पे कंप्लेन करी पुलिस में, काफ़ी जगह, किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारी रिक्वेस्ट है, ये मार्केट एरिया में है, मेन मार्केट में है, द्वारका के मेन मार्केट में, इसको प्लीज़ यहाँ से उठाओ, हम सबकी जान को खतरा है। इसकी कोई पर्सनल एंट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेन रोड पर ये लोग पेशेंट को उतारते हैं, स्ट्रेचर पे बिठाते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं। हजारों कस्टमर्स यहाँ से क्रॉस होते हैं, ये इनका बेड पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है इसको यहाँ से उठाओ, हमारी सबकी जान को खतरा है, पूरा द्वारका का हब है ये। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? हमारे साथ पूरी टीम है, हमारे पूरे मार्केट के लोगों ने जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हो सकती थी पुलिस में 100 नंबर पे, हमने सब जगह कंप्लेंट कर ली। हमने हॉस्पिटल वालों से भी बात करने की कोशिश करी, किसी ने हमारी कुछ SDM से भी बात करी हमने, बाकी सबको पता है, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है इसको यहाँ से उठाओ। सोनू जी, मार्केट क्यों बंद करी है? मार्केट कोविड 19 हॉस्पिटल खुल गया यहाँ पे आयुष्मान, जो परमिशन हमको मिली सेक्टर 10 की, उसके बाद भी ये यहाँ पे लेके आ गए हैं पेशेंट को। तो उसके बाद 2 महीने बाद वैसे हमारी शॉप्स वगैरह खुली हैं, उससे पहले तो बंद करवा रहे हैं शॉप्स वगैरह। क्या खतरा है आप लोगों को? बिल्कुल खतरा है, हमारे स्टाफ आता है, सब कुछ आता है, और कस्टमर आते हैं। सुना है यहाँ इनके कोई कपड़े वगैरह भी मिले थे अस्पताल? हाँ, पीपीडी किट मिली है डस्टबिन के अंदर पड़ी हुई, वो मिली है आज सुबह, और स्टाफ भी इनका नीचे घूमता रहता है पूरा कॉमन।
पूरी मार्केट बंद कर दी आपने? पूरी मार्केट बंद कर रखी है हमने इसीलिए क्योंकि ये हॉस्पिटल यहाँ से उसे चला रहे हैं बगैर परमिशन के। दो महीने तो पहले घर बैठे रहे, क्या करें अब? अभी भी बंद कर रखी है दुकान, कस्टमर अटेंड नहीं कर पा रहे, कोई सैनिटाइजर नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे। पुलिस आई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, अभी आप अगर चार लोग खड़े इकट्ठे हो गए, पाँच लोग दस लोग खड़े हो गए, आपके ऊपर धारा लगेगी, बल्कि उल्टा आप ही को फंसा रहे हैं। हाँ, देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN News और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।